मैं जल्दी से दिखाऊंगा आपको, बहुत एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है दूर से, और एक हुजूम यहाँ पर जंतर मंतर की ओर अग्रसर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी पंजाब से आए हुए लोग हैं जो 3000 की संख्या में हैं, और पटियाला, जलंधर, अमृतसर और वहाँ के किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों में सीधे आप, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले जंतर मंतर से लाइव। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के प्रशंसक, किसान, खाप पंचायतों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड्स के ऊपर से कूद रहे हैं इस समय पंजाब के प्रशंसक। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर। जी हाँ, इसमें कई उम्रदराज लोग भी हैं, एक 75 साल के व्यक्ति हैं, उनको आप देख सकते हैं 70-75 साल की उनकी उम्र है, वो भी वहां से कूदे हैं और उनके नारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यही नारे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, और उनका यही एकमात्र उनका लक्ष्य यही है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी। जी हाँ, उनका कहना है बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चों के साथ अन्याय वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी में नारे लग रहे हैं, हिंदी में नारे लग रहे हैं, और यहाँ बैरिकेड्स को खींचा जा रहा है। ये देखिए, कैमरामैन को कहूंगा कि अपना बचाव करें पहले। ये देखिए, यहाँ पर बैरिकेड्स को खींचा जा रहा है और यहाँ बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से लाइव, और इस समय बैरिकेड्स को हटा दिया गया है, खींच कर लाया जा रहा है। जो धरना प्रदर्शन है उसके करीब ले आए हैं पहल ये किसान नेता, और यहाँ कुछ हमारे मीडिया कर्मियों को चोट भी आई है इस सिलसिले में, क्योंकि वो लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और यहाँ मैं भी अभी भी बाल बाल बचा हूँ, जिस तरह से ये बैरिकेड्स को उठाकर नीचे गिराया गया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है ये, और जंतर मंतर में अब तिल रखने की भी जगह नहीं है, पूरी तरह से भर चुका है। और यहाँ बैरिकेड्स जो हैं खींच कर लाए गए हैं, हटाए गए हैं बैरिकेड्स, और पुलिस जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स थी वो बस तमाशबीन बनकर देखती रह गई है। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्यव्रत कादियान से बात कर रहे थे, जो कि साक्षी मलिक के पति हैं। उन्होंने कहा कि हम पर जो कुछ भी आरोप लगाए हैं बृजभूषण शरण सिंह ने, वो सब झूठे आरोप हैं, ऐसे आरोपों से बाज आना चाहिए। और उनको जो 1000 महिला पहलवानों से यौन शोषण की बात है, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, साक्षी मलिक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ समझने का फेर है। और इस तरह की बातें भारतीय पहलवानों के बीच में आपस में तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पटियाला, जलंधर, अमृतसर, फरीदकोट के किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जी राजीव, तस्वीरें देख रहे हैं मनोज जी, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, वो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें आपके जरिए टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अपने कैमरा पर्सन को बोले तस्वीरें दिखाते रहें, क्योंकि इसी बात का डर था जिस तरीके से बैरिकेड को खींचा गया है, बैरिकेड गिराया गया है, यही इन्हीं चीज़ों का डर है यहाँ पर, क्योंकि यही चीज़ें ट्रिगर करती हैं, और बाद में यही चीज़ें ऐसे धरना स्थल पर एक तरीके से एक हिंसक आंदोलन का रूप भी ले सकती हैं, जो तस्वीरें आप लगातार अपने कैमरा पर्सन के जरिए हमें दिखा रहे हैं। जी बोलिए राजीव, आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स जो हैं, जो जहाँ पर पहलवान जो यहाँ दिखाई दे रहे थे लगातार, उनको बैरिकेड्स को यहाँ पर गिरा दिया गया है, और जो मुख्य बैरिकेड्स थे वहाँ से भी बैरिकेड्स उठाकर पटक दिए गए हैं पंजाब के इन किसानों द्वारा। और यहाँ पर दिल रखने की जगह नहीं है, और स्थिति बहुत गंभीर है, और यहाँ पुलिस बिल्कुल तमाशबीन बनकर ये पूरा तमाशा देख रही है, क्योंकि इतने बड़ी हुजूम को रोक पाना उनके, उनको लग रहा है कि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मुश्किल से पुलिसकर्मी हैं, 400 से 500 पुलिसकर्मी थे जो जंतर मंतर की जो रोड है वहाँ पर तैनात किए गए थे। और इस वक्त हम आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे पुलिसकर्मी, जी हाँ पुलिसकर्मियों का हुजूम दिखा सकते हैं। अब पुलिसकर्मी भी आ गए हैं, हरकत में आए हैं, और थाने से कुछ उन्हें निर्देश भी आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पुलिसकर्मी जो अब तक तमाशबीन बनकर दिख रहे थे, और अब वो हरकत में आ गए हैं, क्या होगा। और ये देखिए बैरिकेड्स को उठाया जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा, और ये पुलिसकर्मियों ने, ये वो बैरिकेड्स हैं जो जंतर मंतर की सड़क पर, अशोक रोड से जो रोड आती है जंतर मंतर की ओर,
वहां से ये बैरिकेड्स को हटाया गया था। और अब मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा, यहाँ का बैरिकेड हटाया गया है जो आप इस समय देख सकते हैं, और वहीं पर बैरिकेड्स को फिर से लगाया जा रहा है। लेकिन जो पहलवान है जो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के बैरिकेड सब गिरा दिए गए हैं। तो यहाँ पर पुलिस की चुनौती बहुत ही बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि इसको वापस फिर से लगाया जा रहा है और स्थिति को पुरानी स्थिति में बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी, समस्या इसी बात की है, जो प्रदर्शन लगातार मनोज जी चल रहा था, उस प्रदर्शन में इन चीजों की शायद जरूरत नहीं थी। जो भी यहाँ पर लोग आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो लोग उनको रोका नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने इन सारे बैरिकेड्स को गिराया। उसके चलते कुछ लोगों को, आप जैसा कि आपने भी अभी बताया कि शायद चोट भी आई है वहाँ पर इन बैरिकेड्स को गिराने के चलते, और इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएँ ट्रिगर करके बड़ी घटना का रूप ले सकती हैं। पहले से ही लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। ये जो कोशिश की गई है ये बड़ी भी हो सकती है और शायद पुलिस को उत्तेजित कर सकती है किसी कार्रवाई के लिए। मनोज जी जी, पुलिस जो है इस कार्रवाई के लिए जवाबी हमला बोल सकती है, लेकिन उन्हें अभी एक निर्देश की, स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। जो करौट पुलिस थाने में जो FIR दर्ज की गई है, वहाँ पर DCP भी हैं, ACP भी हैं, दो ACP हैं श्री गुप्ता, और एक दो दूसरे जो DCP हैं वहाँ से निर्देश का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियाँ खराब की गई हैं या जो बैरिकेड्स हटाए गए हैं उन्हें फिर से लगा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ठीक सामने, यहाँ का बैरिकेड उठाकर फेंक दिया गया था, लेकिन अब बैरिकेड को दोबारा लगा दिया गया है। पुलिस ज्यादा हरकत में आ गई है, बहुत एक्शन में है, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट निर्देश का इंतजार है और उसके बाद ही वो कोई एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। और इसमें आप देख सकते हैं कई महिला कर्मी भी यहां पर मौजूद हैं, ये फोर्स के RAF फोर्स से ये ताल्लुक रखती हैं, और इनका काम भी बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। और आप देख सकते हैं ये है मुख्य द्वार, यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पर आई कार्ड के बिना अब प्रवेश नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर रोका जा रहा है, पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस ने, और निश्चित तौर पर यहाँ स्थिति गंभीर होती जा रही है। लेकिन अब बैरिकेड्स जो हैं वहाँ जहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो भी दिखाएं, क्योंकि जो बैरिकेड्स गिराए गए थे उन बैरिकेड्स को फिर से लगा दिया गया है पुलिस द्वारा। लेकिन उन बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं पंजाब के लोग, और खासकर पंजाब फरीदकोट पटियाला और जलंधर से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और वहाँ बैरिकेड्स एक बार फिर से लगा दिए गए हैं। तो अब क्योंकि पंजाब से 500 का एक जत्था आया था, और जो यहाँ पर नज़दीक में रकाबगंज गुरुद्वारा है वहाँ पर वो रुका हुआ है, और वो यहाँ पर पूरी तरह से घटना पर नज़र बनाए हुए हैं।